मेरे नू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो देखिए मंडा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। देखिए कई फ्लावर पीछे भी इसके खिले हुए हैं, देखिए और काफ़ी अच्छे से इसमें बर्ड्स आ रही है। मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की फ्रेंड और मैं काफ़ी लेजी हूँ इस बार, तो देखिए नई नई शूट्स आ रही हैं, मैंने कुछ किया नहीं। चलिए मैं फर्टिलाइज़र दे दूँगी, गुड़ाई कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स समर के ये बेस्ट प्लांट है और मैंने काफ़ी कटिंग कर दिया था। मैंने ये मेरे पास वेस्ट पड़ी थी बोरिया और उस पर जो मैंने ये देखिए कटिंग लगा दिया था, कितने अच्छे से ये देखिए पोलियस की कटिंग लग गई है फ्रेंड। और ये रियो है और ये देखिए ये हमारा मधुमालती का प्लांट है, काफ़ी अच्छे से देखिए लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी सी ग्रीनरी इसकी भी हो गई है। सब ग्रीन ग्रीन लीव्स निकल के बाहर आ गई हैं। जो हमारे समर के प्लांट है देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा फाइकस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत स्लो ग्रोथ होती है फ्रेंड इनकी, मगर लगते बड़े खूबसूरत हैं। मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स देखिए इसके कितना प्यारा लगता है। और ये देखिए ये है फाइकस पांडा, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हर घर में ये पाया जाता है। ये इसको पता नहीं ये फाइकस की ही वैरायटी है फ्रेंड, बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये हमारा है केना और कितना खूबसूरत लगता है। इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है, अभी नहीं हो रही है फ्रेंड्स। और तो फ्रेंड्स देखिए मैं कोलियस की ऐसे ही कटिंग ऐसे ही लगा दी थी, देखिए कितने अच्छे से सब लग गई है वेस्ट मटेरियल में और कितना खूबसूरत मेरा लुक आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से देखिए इसने अपनी ग्रोथ भी पकड़ ली है। और पिंचिंग करते रहिए फ्रेंड, पिंचिंग का मतलब है कि इस तरह के जो ऊपर का पॉइंट होता है ना उसको आप तोड़ दीजिए। तो जिस तरह से अब मैं बता रही हूँ इस तरह से आपको इसको तोड़ देना है फ्रेंड, बस इतना ही से काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको कटिंग करने की। आप इतना से तोड़ दीजिए तो उससे दो ब्रांच निकलेंगी और काफ़ी प्लांट आपका बुशी हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए मेरे पास चार पाँच प्लांट की कटिंग है जो मैंने लगा दी थी फ्रेंड, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पे है, बहुत अच्छे छोटे छोटे पॉट में लगी हुई है। तो कोलियस एक हमारा ऐसा प्लांट होता है फ्रेंड्स जो कि काफ़ी अच्छे से देखिए ये सीड में निकला था और ये कटिंग है कुछ देखिए लग गई, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कलर देखिए ये हाइब्रिड विन का है और ये कितना ही खूबसूरत है ना फ्रेंड्स। तो इस वक्त भी गॉड गिफ्ट की तरह कुछ प्लांट्स हमको मिलते हैं नेचर के नेचर की तरफ से। और ये देखिए हमारा ये है मैरी गोल्ड है, ये भी मुझे गॉड गिफ्ट की तरफ से मिला है और ये काफ़ी प्लांट है मेरे, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा टमाटर, टमाटो का प्लांट है, ये भी मुझे गॉड गिफ्ट में ही मिला है। तो काफ़ी प्लांट हैं जो हमारे सीडलिंग के ज़रिए इधर उधर से निकल आते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब हमें गॉड गिफ्ट की तरफ से प्लांट मिलते हैं या नर्सरी से हमें एक दो प्लांट फ्री मिल जाते हैं जब उसमें लगे होते हैं एक आध। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी ये बिगोनिया, तो फ्रेंड्स ये बिगोनिया भी मुझे नर्सरी में एक पॉट पे लगा हुआ मिला, मैंने आपको दिखाया था और फिर मुझे लगा कि ये बिगोनिया है तो मैंने इसको सेव कर लिया और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। अब मेरे जैसे ही विंटर प्लांट्स के पॉट खाली होंगे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, हो सकता है मैं इसको बचा लूँ बिगोनिया को इस बार, और मैं पॉन्सिटिया भी बचाने की कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। देखिए क्या क्या मैं बचा पाती हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है मुझे तो लगता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जीनिया के और कुछ कॉस्मॉस के प्लांट हैं जो मैंने सीडलिंग से तैयार किए हैं। और देखिए हमारे जीनिया में बर्ड्स भी आ गई है फ्रेंड। और ये देखिए मुझे पता नहीं कि अभी इसके क्या कलर है, मैंने अमेज़ॉन से सीड मंगाई थी वही निकले हैं ये, और तो खिल जाएंगे तो मैं इनको ट्रांसप्लांट भी करना है फ्रेंड। तो चलते हैं फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तक के लिए डाबरा के डाबरा के साथ बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें फ्रेंड। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।